नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन मगरिया और मेरे साथ अमित बोस सर। आज चर्चा का विषय है कैरियर चुनाव। क्या कारण है कि हम अपने एक ऐसा कैरियर का चुनाव नहीं कर पाते जिसके कारण हमारा जो वर्तमान है वो उथल पुथल होता है? क्या कारण है कि हम अपने जिस चीज को हम चाहते हैं वो कैरियर नहीं बना पाते? क्या कारण है कि हम देखा सीखी दूसरों के कैरियर में एक भेड़ चाल चलते रहते हैं? क्या कारण है कि हमारा कैरियर एक ऐसा कैरियर नहीं बन पाता जो हमें खुशी देता है? तो आज हम चर्चा करेंगे आखिर क्या कैरियर चुनाव में गलतियां होती हैं जो पूरे भविष्य को हमारे दिक्कत देती हैं। तो शुरुआत करते हैं कैरियर चुनाव। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को एक बहुत अच्छे टॉपिक के रूप में जो है आप जरूर इसमें लीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जितनी भी इस समय जो है मुसीबतें चल रही है या जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं, इन सबका बेस ध्यान रखिएगा कैरियर ही है। अगर आपकी कैरियर अच्छे से नहीं बना तो आप भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेंगे और भविष्य में आप जो है अपने साथ अपने परिवार को भी मुसीबत में ले डूबेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है किसी चीज को करने के लिए। तो आपके घर वालों को अगर आप बचाना चाहते हैं, अगर खुद को आप बचाना चाहते हैं, आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं, तो कैरियर को पहले फोकस दे, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में सोचे। सर, कैरियर चुनाव क्या जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एक टूल है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे? अगर आज आप दो मिनट अगर शांति से अगर आप बैठ के सोचे तो आज आपके घर में सभी प्रकार के जो खर्चे हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस जो है और सेविंग्स जो है, ये सब कुछ अगर आप देखो तो आपके माता पिता ही पूरा कर रहे हैं। तो आपको अगर आज एक दिन के लिए भी अगर माता पिता ने कह दी कि हम पैसे नहीं देंगे तो आप आपके कुछ भी जरूरत पूरा नहीं कर पाएंगे। तो 11 पॉइंट क्या रहेंगे आपके? तो कैरियर को इतने हल्के से आप ना ले। और मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको कैरियर सिलेक्शन प्रोसेस में आने वाली जो दिक्कतें हैं, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ जिस कारण से हमारा यूथ कैरियर को डेवलप नहीं कर पा रहा। तो पहला प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमारे इंडियन सोसाइटी में पेरेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब माता पिता जो है वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम जैसा चाहते वैसा ही वो कैरियर बनाए। और अक्सर ऐसा देखा गया कि अगर किसी के पिताजी पुलिस है तो लड़का भी पुलिस ही बनेगा, अगर पिताजी जज है तो लड़का भी जज बनेगा। और सर, कई बार ऐसा रहता है कि नहीं बन पाता तो फिर उतना समय बर्बाद हो जाता है जिससे उसके कैरियर में इफेक्ट पड़ता है माँ बाप के कारण। और आप बन जाए तो अच्छी बात है, और क्योंकि क्या होता है कि आपके फादर और आपका पैशन एक कभी हो ही नहीं सकता। तो ज्यादातर इस केस में क्या होता है, इतना समय बर्बाद आप कर लेते हैं, और अगर बन भी गए तो बनने के बाद भी आप वैसा नहीं कर पाते जैसा आपको करना चाहिए, क्योंकि आप मन मार के काम कर रहे हो। तो पेरेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। नंबर दूसरा है, हमारा जो यूथ है हमेशा दूसरों को फॉलो करने में तोला रहता है। हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उसको देख के हम क्या करते हैं, हम जो है काम करते हैं। और इसका एक उदाहरण भी है, एक बंदा जिसने बहुत अच्छी टेक्निकल पढ़ाई की है, जिसने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, और वो बंदा जो है अपने दोस्त के कहने पर रेलवे में फोर्थ ग्रेड की जॉब के लिए इंटरव्यू देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने लाइन को ना फॉलो करते हो, अपने दोस्त को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक इश्यू इस समय बना हुआ है। ये बहुत बड़ी भ्रमना है कि लोग एमसीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद फोर्थ ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत बड़ी भ्रमना कहा जाए। पीएचडी होल्डर्स तक इसमें शामिल है कि इतनी पीएचडी होल्डर कर लिया, डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिल गई, उसके बाद आप जो है किसी भी लेवल की जॉब के लिए आप जा सकते हैं और फोर्थ ग्रेड तक के जॉब में आप जा सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है भारत की इस समय। लेकिन ये तो एक चीज देखी जाए तो ये तो ये एमबीए और एमसीए वाले ये छोटे पद वालों, जो छोटे फोर्थ ग्रेड वालों की जॉब को खा जाते हैं इस प्रकार देखा जाए तो। देखिए, कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे जॉब मेंटेलिटी और उसमें भी जो सरकारी जॉब की जो मेंटेलिटी जो सवार है, इस चक्कर में क्या हुआ कि लोग अपनी कैलिबर को भूलकर सिर्फ सरकारी नौकरी की गुणगान गाते रहते हैं। और इससे एक गलत मैसेज सोसाइटी में ये जाता है कि अगर आपको इतनी हाईएस्ट डिग्री करने के बाद अगर आप इतने लो लेवल पे जाते हैं तो जो नए यूथ है वो उनको गलत मैसेज आप देते हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा आपको कि भाई आप अपने डिग्री से के कैरियर ऑप्शन को अगर देखें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज ऐसी कोई डिग्री नहीं है जिसमें कैरियर नहीं है। थोड़ा रिसर्च अगर आप करेंगे तो आपको हर सब कुछ दिखता है। सर, जो पसंद करते हैं क्या छात्रों को वही कैरियर बनाना चाहिए? भाई बड़ी सी बात है, क्योंकि कैरियर बनाने का मतलब है कि आप एक ऐसी जगह जॉब करेंगे या ऐसा बिजनेस चालू करेंगे जिसमें आपसे जुड़े लोगों को भी आप फायदा दें। तो अगर आपके कैरियर में आपकी मन मुताबिक कैरियर अगर नहीं है,
तो आप लोगों को भी फायदा नहीं दे पाएंगे और आप इस 70 चक्कर में कईयों को नुकसान भी आप पहुंचा देंगे। कंटिन्यू तीसरा चौथा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल के युवा जो वो अपने पैशन और स्ट्रेंथ को ही नहीं देख पा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है। अगर यह पैशन अगर पता भी है तो डर के मारे पैशन शो नहीं करते, क्योंकि घर के प्रेशर रहते हैं और उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती है। तो अपने पैशन स्ट्रेंथ को आपको पहचानना चाहिए। चौथा ये है कि आपको कैरियर गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, और इस चीज में कई बार बहुत सारे सेमिनार वेबिनार में भी बात होती रहती है कि हमारे भारत में यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, अच्छे शिक्षाविद है, पर कैरियर गाइडेंस सेल पे ज्यादा बात होती नहीं। और अगर कैरियर गाइडेंस सर खोल भी लिया जाए तो स्टूडेंट्स भी उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो सोचते कि कैरियर गाइडेंस जो है वो जरूरत नहीं है हमें। तो कैरियर गाइडेंस आपकी इम्पोर्टेंस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आज से 4-5 साल बाद अगर इस चीज को रिलाय करें कि मैंने कैरियर बर्बाद कर लिया या मैंने गलत प्रोफेशन चुन लिया, तो आपके लिए वापसी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या सर हम दूसरों की खुशी के कारण अपना कैरियर बदल देते हैं? हमेशा तो यही ज्यादातर होते हुए देखा गया, और दूसरों में सबसे ज्यादा अपने माता पिता ही है कि माता पिता जो चाहते वही हम करेंगे। लेकिन आपने कैरियर उनके कहने पर चुन तो लिया, लेकिन आप अपने से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने कैरियर में 100% सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि मन मार के काम कर रहे हैं, तो आप अपने कैरियर में सक्सेस अगर नहीं हो पाएंगे तो कितनों को आप लॉस दे बैठेंगे अपने जाने अनजाने में, और कितनों को बर्बाद कर देंगे, ये आप अपने से पूछे। गलत कैरियर चुन के आपने कितनों को बर्बाद करने की तैयारी कर ली है। चौथा पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते अपने दिल की बात, जबकि आप अगर थोड़ा एक्सप्रेस करें, हो सकता है कि पेरेंट्स और टीचर गलत बताएं, क्योंकि उनके और आपके उम्र में अंतर है, उनके अनुभव आपके अनुभव में अंतर है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है आपकी बात समझकर आगे बात बढ़ सकी। छठवा पॉइंट मैं आपसे बहुत कहता हूँ कि आप यूथ जो है टाइम बड़ा बर्बाद करते हैं। अगर आप अपने कैरियर के लिए रिसर्चेस पे अगर टाइम दें, अगर आप ये देखें कि जिस कोर्स को आप अभी कर रहे हैं, जो आपका पैशन है, उसके लिए कितनी जॉब्स आपकी सिटी में अवेलेबल है, कितनी सरकारी योजनाएं आपको मदद करेंगी बिजनेस चालू करने के लिए, और कितना हेल्प आपको मिल सकता है, तो आप यकीनन अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर समय बर्बाद जो आप करते हैं फालतू की चीज़ों में, तो आप फिर कैरियर के लिए समय कैसे लाएंगे? क्योंकि कैरियर के लिए डिग्री के बाद 4-5 साल ही आपके पास मेन रहते हैं। सर क्या आयु रहती है सही कैरियर चुनाव करने की? देखिए 27 साल या 28 साल तक अपने कैरियर को आप बना ही लें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि 40 में जाके हम कुछ करेंगे तो ये इतना आसान सबके लिए होता नहीं है। क्योंकि एक चीज जो आप मिस आउट करते वो ये है कि आपके घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके आने वाले वैवाहिक लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आपके लिए होता है। इसलिए 27 तक आप अपने कैरियर को सेट कर लें। सर क्या सही कैरियर हमें नौकरी के लायक बनाता है? कैरियर प्लस एजुकेशन और नौकरी, इन तीनों में क्या अगर सही चला जाए तो नौकरी लास्ट स्टेज अपन को मिलती है? देखिए नौकरी भी ऐसी नौकरी आपको मिले जिसमें आप इंजॉय करते हुए अगर काम कर रहे हैं तो ये आपकी अच्छी नौकरी है। अगर आप देखते हैं जितने भी आपके सगे संबंधी है या दोस्त है जिनको जॉब तो अच्छी खासी मिल गई पर वो इरिटेट अपने जॉब से रहते, फ्रस्ट्रेट रहते, इसका कारण ये है कि उनको मन माफिक जॉब नहीं मिली, सारी सुविधा सैलरी अच्छी है, लेकिन इरिटेशन के कारण वो कई बार उनके घर में भी झगड़े चालू हो जाते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वो घर में उतारते हैं। कई बार वो बीच मिड में जॉब छोड़ के चले आते हैं और कई बार बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं। तो गलत कैरियर चॉइस करेंगे तो आपके फैमिली पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखा गया है। सर सातवां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यूथ एक बहुत बड़ी गलती आज ये भी कर रहा है कि वो दुनिया की हर चीज की प्लानिंग करने की सोचता, कैरियर की तो प्लानिंग ही नहीं कर रहा है। किस एज में क्या नौकरी उसको क्रैक करना है, किस एज में क्या बिजनेस स्टार्ट करना है, किस एज में उसको कितना सक्सेस तक पहुंचना है, क्या वो अपने स्टडी पैटर्न को रखे जिससे वो कोई अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सके, एक भी कैरियर प्लानिंग नहीं है। सिर्फ यूथ क्या कर रहा है, एक फॉलोअर बन के रह गया, दूसरों को फॉलो करता रहता है और गलत डिसीजन लेता रह गया। तो आप प्लानिंग अगर नहीं कर पा रहे तो सक्सेस को तो आपने ऐसे ही बहुत दूर कर दिया। आठवां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आपने उस सिटी का मार्केट कंडीशन तो कभी देखा ही नहीं, वहाँ पे क्या बिजनेस चलता है, क्या नौकरियाँ चलती है, किस तरह के सेक्टर्स को लोग वहाँ पाए जाते हैं, आपने कभी भी रिसर्च नहीं किया, आपने कभी डिमांड्स को नहीं देखा, आपने कभी ये नहीं देखा कि किस तरह की जॉब्स ज़्यादा आ रही है और उसके लिए क्या हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से तैयारी ना करने के कारण आप मार्केट से काफ़ी पिछड़ गए हो और मार्केट में लगातार अच्छे लोगों की कमियां भी इसी कारण से देखी जा रही है। सर क्या जो काम आपको पसंद है
थोड़े दिनों बाद वो आपको पे करता है। देखिए, पे आपको वही काम अच्छा कर सकता है जिस काम को आप अपने मन के हिसाब से करें, क्योंकि आप देखते हैं जितने भी धनी लोग आज आपके नजर में है, वो सारे धनी लोग अपने पैशन के हिसाब से काम कर रहे तो वो धनी बन गए, और जिन्होंने मन मार के काम किया तो वो सिर्फ चला रहे हैं लेकिन धन कभी ठीक से कमा नहीं पाए। तो पैशन ही धन आपको देता है। नौवा पॉइंट आपका ये है कि आपको यूथ को ये भी नहीं पता होता कि आज जो है वो सबसे हॉट सेक्टर्स क्या है, ऐसे सेक्टर जो अपकमिंग है, ऐसे सेक्टर जो बहुत ज्यादा कैरियर ग्रोथ दे रहे हैं, नई जॉब्स दे रहे हैं, आपको इसका नॉलेज ही नहीं है। आज के यूथ जो यूथ है आज भी वो 1980s के सोच में चलता, जहाँ पे पोस्टमैन की वैकेंसी निकली तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, रेलवे की है तो बहुत अच्छी है, बैंक की है तो बहुत अच्छी है, मिलिट्री तो बहुत अच्छी है, पुलिस अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है वैकेंसी, लेकिन इन वैकेंसी के अलावा भी तो नई वैकेंसी नए साथ समय के साथ निकल रही। तो आप इन वैकेंसीज को देखें जिसमें बहुत जल्दी ग्रोथ मिल रहा है, और इसके लिए थोड़ा रिसर्च आप करें। दसवां पॉइंट ये है, आप कंपटीशन से भी इतना ज्यादा डरते हैं। यूथ जो है वो ये सोचता है कि यार अगर मैं जॉब के लिए तैयारी भी करूं तो कितने अच्छे स्टूडेंट्स जो है हमें मिलेंगे और कितने प्रोफेशनल्स मिलेंगे, वो हमें आराम से हरा देंगे, हम उनके सामने कुछ ही नहीं है। तो आपके मन में ये नेगेटिविटी को हराए। ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन हमेशा से रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपके टेक्निकल पावर बहुत अच्छा है, अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, तो आप कितने भी एक्सपीरियंस पर्सन को हरा सकते हैं। आप कंपटीशन से डरे नहीं, कंपटीशन का सामना करें। सर, क्या छात्र किताबी कीड़ा बन के रह गए, इस कारण वो कैरियर में फेल है? किताब में खो जाना ये आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है। कारण क्या है कि रियल लाइफ बहुत अलग होती है किताबों की जिंदगी से। तो अगर आप किताबों में खो के रह गए तो मेरा आपसे अनुरोध है बाहर की जिंदगी को ज्यादा देखें। और इसलिए आपसे हमेशा कहा जाता, आपके बड़े बुजुर्ग भी कहते होंगे कि आप बाहर थोड़ा सा दोस्तों से मिले, आप बाहर प्रोफेशनल से मिले, ज्यादातर समय अगर आप बाहर की चीजों पर ध्यान रखेंगे तो आपको समय समझ में आएगा किताब कुछ और कहती है और प्रोफेशनल दुनिया कुछ और कहती है। सर, माता पिता को बच्चे छोड़ देते हैं अपने करियर के चुनाव के लिए। आज जो 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, वो जरूर ये सुने कि उनके माता पिता सर किस प्रकार बच्चों के करियर को पहचाने कि मेरा बच्चा वहाँ ऊंचाई उस कैरियर में ऊंचाई तक जा सकता है। तो माता पिता किस प्रकार से पहचाने उन बच्चों के कैरियर को? देखिए, माता पिता से मुझे ये अनुरोध है कि पहली बात तो ये कि आप अपने पुराने लेवल का जो करियर पैटर्न होता था उसको आज के बच्चों में ना थोपे, क्योंकि आपके जमाने में जो था वो आज नहीं है। आज दुनिया बहुत बदल गई है, और अगर बच्चा आपके पैटर्न पुराने पैटर्न पे अगर वो चल रहा है तो बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाला है। उसको आज के हिसाब से तैयार करें, आज के कैरियर पैटर्न्स के हिसाब से उसको जो है नॉलेज दें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको नए अच्छे लोगों से मिलवाने की कोशिश करें, और उसको भी आप हमेशा ये कहें कि रिसर्च करें नई नई चीज़ों पर, नए नए फील्ड्स पर, नई नई कंपनीज पर, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा कमाने के जरिए बदल गए हैं। आज 2021 में हमें नए जरियों पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर, अंतिम पॉइंट क्या है? सर, 11वां पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लियर रहे अपने कैरियर के बारे में। जो कैरियर बनाना है माइंड में एकदम क्लियर रहे, माइंड में कंफ्यूजन को ना पाले। आप हर समय ये ना सोचे कि ये कर लूँ तो ये बेहतर होगा, वो कर लूँ तो वो बेहतर होगा। आप सिर्फ ये सोचे कि जो मुझसे अच्छे से बनता है मैं वही करूँ, क्योंकि आप उसी में सक्सेस हो सकते इसके अलावा किसी चीज में नहीं। तो माइंड में कंफ्यूजन ना पाले, ये आपके कैरियर को बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी तक हमने 11 पॉइंट अमित सर से जाने कि कैरियर सोल्यूशन मतलब कैरियर का चुनाव किस प्रकार करें, और अमित सर ने पूरी विस्तार से समझाया। अगले वीडियो में हम सोल्यूशन जानेंगे कि कैरियर के चुनाव में क्या सोल्यूशन है आपके, जिससे आप कैरियर चुनाव में आसानी से अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बने रहिए अगले वीडियो में। थैंक यू।